जी अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और उसका पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। हमें पता है माइटोसिस में नेक्स्ट जनरेशन हमेशा आइडेंटिकल होती है टू पेरेंट वन। वो ऑफस्प्रिंग यानी नेक्स्ट जनरेशन जो होती है उनकी, वो बिल्कुल जेनेटिकली सिमिलर होती है पेरेंट्स के जैसी। और ये जो जेनेटिकली सिमिलर ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं बच्चे, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट होते हैं। माइटोसिस जो है इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी रिप्रोडक्शन करवाती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाती है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, माइटोसिस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस का कोई रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा जो है, अगर आप इसको देखें ये चीज़, हाइड्रा जो है ये एक ऑर्गेनिज्म है जो वाटर लविंग होता है, पानी में रहता है और ख़ासतौर पे ओशंस में रहता है। अगर आप देखें तो हाइड्रा है, इसमें बडिंग होती है। बडिंग में क्या होता है कि एक छोटा सा बड जो है वो, ये देखें एक साइड पे एक छोटा सा बड बनता है, उसमें माइटोसिस होती रहती है और वक्त के साथ साथ वो बड जो होता है वो साइज़ में इंक्रीज़ करता जाता है। क्यों? क्योंकि माइटोसिस की वजह से इसके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड जो है वो बिल्कुल बड़ा होने के बाद बिल्कुल अपने पेरेंट बॉडी जैसा, जैसा कि आपको हाइड्रा का नज़र आ रहा है, वैसे बनना शुरू हो जाता है। वो प्रोसेस जिसमें बॉडी के ऊपर जो है वो बड बनता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता साइज़ में इंक्रीज़ करता करता बिल्कुल पेरेंट बॉडी के जैसे बनना शुरू हो जाता है, बच्चे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बडिंग बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ है। उसके बाद माइटोसिस जो होता है, क्योंकि वो सेल इंक्रीज़ करता जाता है बड के अंदर, तो एक न्यू इंडिविजुअल सामने आता है और वो इंडिविजुअल बिल्कुल किसके जैसा होता है बच्चे? वो इंडिविजुअल बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा होता है। इसी तरह की डिवीजन ही पाई जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, और प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर आप साइड पे ये देखें, ये पेरेंट है और उसके साइड पे साथ ही एक उसके जैसा एक छोटा सा एक और प्लांट जो है वो क्या कर रहा है? ग्रोथ शो कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगी? वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स ड्यू टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय माइटोसिस। जी अगला टॉपिक देखिएगा, दैट इज़ एरर इन माइटोसिस। मैंने आपके साथ शेयर किया था, फिर रिपीट करते हैं कि एरर, अगर माइटोसिस डिवीजन में अगर एरर आता है तो इसका मतलब क्या होगा? कैंसर। अगर माइटोसिस में एरर आ रहा है तो वो क्या कॉज करेगा? कैंसर। कैंसर को अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा कैंसर, ये जो हमारा पूरा माइटोसिस साइकिल है, एम फेज, प्रोफेज, मेटा, एना, टेलो और साइटोकाइनेसिस, ये इनको जीन्स कंट्रोल करती हैं बच्चे। इनकी टाइमिंग्स, कितनी दफ़ा नंबर ऑफ माइटोसिस होंगी, 10, 20, 40, कितनी। अगर म्यूटेशन आ जाती है, म्यूटेशन क्या होता है? चेंज इन डीएनए ऑफ जीन्स। अगर म्यूटेशन आ जाती है जीन्स में तो क्या होगा? अब कोई भी इस साइकिल को, माइटोसिस को कंट्रोल नहीं कर रहा, जीन्स आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो ये साइकिल मुसलसल काम करता जाएगा और सेल जो है मुसलसल डिवाइड होते रहेंगे। उसके नतीजे में क्या होगा? अनवांटेड एबनॉर्मल सेल्स जो हैं वो डेवलपमेंट शो करते हैं, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं, उर्दू में रसोली बोला जाता है जिसे। जैसे जैसे डिवीजन होती जाएगी एबनॉर्मल सेल्स की, एक बॉल बनती जाएगी और वो अनवांटेड होगी और वो सेल की डिमांड भी, बॉडी की डिमांड नहीं है वो सेल्स, लेकिन वो बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीन्स जो कंट्रोल कर रही थी माइटोसिस को, उन वो स्विच ऑफ हो चुकी हुई हैं। खैर, ट्यूमर्स जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा है मलिग्नेंट ट्यूमर। जो बिनाइन ट्यूमर होता है बच्चे, वो लोकलाइज्ड होता है, वो लेस हार्मफुल होता है, वो जहाँ पे बनता है वहीं पे ओरिजिनल लोकेशन पे रहता है, वो मूव नहीं करता। लेकिन जो दूसरी टाइप देखिएगा, उसमें कुछ ऐसे भी हैं ट्यूमर्स जो जहाँ पे बनते हैं वहाँ तो नुकसान देते ही हैं, लेकिन वो साथ हेल्दी टिश्यूज़ के अंदर भी इन्वेड दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। इनको कैंसरियस ट्यूमर बोलते हैं और इनके सेल्स जो फैलते जा रहे होते हैं बॉडी में, इनको कैंसर सेल्स बोलते हैं। और बच्चे ये हार्मफुल कैंसर होता है जिसकी कीमोथेरेपी वगैरह करवाते हैं। ऐसे ट्यूमर्स जो कि पूरी बॉडी में फैलते जाते हैं, ये ऐसे सेल्स दूसरी साइड पे भेज रहे हैं जो कैंसरियस इन नेचर हैं, और जो जहाँ पर भी ये सेल्स जाते हैं वहीं पर फिर डिवीजन स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर भी कैंसर फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है।
वो फिनोमिना जिसमें कैंसरियस सेल्स फैलते जाते हैं बॉडी के अंदर, यानी डिजीज फैल रही है, स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीज इज नाउन एज मेटास्टेसिस। तो दिस इज द एरर इन माइटोसिस। पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा बाय द मीन्स ऑफ माइटोसिस, उसके बाद हमने एरर इन माइटोसिस पढ़ा। तो इंशाल्लाह बाकी हम फिजिकल क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका हुआ है।